तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं कुंभलगढ़ में हूँ, कुंभलगढ़ फोर्ट विजिट करने आया हूँ मैं। तो पीछे ये टिकट विंडो है, यहाँ से हमें अंदर जाने के लिए टिकट लेना है। और ये फोर्ट का एंट्रेंस है, तो यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, देखो 40 रुपये पर पर्सन का चार्ज है और फॉरेनर के लिए 600 रुपये का टिकट है और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क फ्री है। तो पीछे टिकट विंडो से मैंने टिकट ले लिया है और 40 रुपये का टिकट है, मैंने आपको बताया एंट्री टिकट। तो अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखा देता हूँ। ये एक गेट है, यहाँ से हम अंदर आते हैं और अंदर आते ही ये पार्किंग है पूरा, यहाँ पर सब गाड़ियाँ खड़ी है और उसके बाद में इस तरफ से हमें अंदर जाना होता है फोर्ट के लिए। तो मेन गेट से टिकट चेक करवा के मैं अंदर आ गया हूँ कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ फोर्ट में। ये यहाँ पर पीछे एंट्री है, ये जो गेट मैंने आपको बताया था यहीं पर टिकट चेक होता है। और हमारे साथ ये भाई साहब है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह राणावत। तो हमारे साथ राजेंद्र जी है, ये गाइड है यहाँ पर, ये हमें यहाँ के बारे में बताएंगे, यहाँ पर क्या क्या मॉन्यूमेंट्स है, कहाँ पर हमें किस तरह से घूमना चाहिए और क्या हिस्ट्री है। तो राजेंद्र जी के साथ चलते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट की विजिट के लिए। चलिए सर, आइए सर। यहाँ से अपन ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे अपन जी, यहाँ से चलते चलते स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दी जाएगी अबाउट द फोर्ट। महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने क्या किया, अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट्स का निर्माण कराया था। अच्छा। उसमें से एक ये अजय दुर्ग कहा जाता है, कुंभलगढ़ फोर्ट को अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं रहा। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था। अच्छा। और 1458 में कंप्लीट किया था। टोटल 15 साल इस पूरे फोर्ट को बनाने में लगे। सामने जो ये वॉल जो आपको दिखाई दे रही है जी, ये वॉल जो है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है आफ्टर ग्रेट चाइना वॉल। अच्छा। जो कि फोर्ट के इस हिस्से से स्टार्ट होती है और लगभग छोटे मोटे ये 13 माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद वापस फोर्ट के बैक साइड पे ये कनेक्ट होती है। अच्छा। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 36 किलोमीटर और इस वॉल की जो चौड़ाई है वो लगभग 15 फीट चौड़ी है, जिसपे उस जमाने में 4 हॉर्स राइडर इजिली एक साथ वॉक करके इस पूरे प्रेमाइस को उस समय गार्ड किया करते थे। इस पूरे प्रेमाइस के अंदर टोटल टेम्पल बने हुए 360 टेम्पल्स, 360 उसमें से 300 जैन टेम्पल है। अच्छा। और 60 टेम्पल हिंदू टेम्पल है। कुछ जैन टेम्पल यहाँ पर इस फोर्ट से पहले के बने हुए हैं, 2nd सेंचुरी के सम्राट अशोक के कालीन में, क्योंकि सम्राट अशोक ने उस समय बौद्धिज्म धर्म अपनाया था और उनके ग्रैंडसन थे जिनका नाम था संप्रति महाराज। अच्छा। उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। अच्छा। तो उसी कालीन में कुछ जैन टेम्पल यहाँ पे बनाए गए थे और बाकी के कुछ जैन टेम्पल जो है वो महाराणा कुंभा के कालीन में भी बने थे और हिंदू टेम्पल जो है वो सारे महाराणा कुंभा के कालीन में बनाए गए। उस समय इस पूरे एरिया को जो कहा जाता था वो कहा जाता था मच्छिंदनगढ़। बाद में 15th सेंचुरी में महाराणा कुंभा यहाँ है और फिर इस किले का निर्माण किया गया और बाद में महाराणा कुंभा के नाम से इसे कुंभलगढ़ कहा जाने लगा। ओके। अभी अपन जो ये दरवाजा जो क्रॉस करके आए ना जी, इसका नाम है भैरव पोल। तो ये भैरव पोल जो है ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा कहा जाता है इस फोर्ट के अंदर आने का। वैसे इस फोर्ट के टोटल 9 दरवाजे हैं। जब महाराणा कुंभा 1443 में जब यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ी पर किले का निर्माण स्टार्ट किया गया था, तो ये जो पूरा किला जो बनाया गया, इसके जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही ये पूरा किला बनाया गया था। जब महाराणा कुंभा और मंडन जी इस किले का निर्माण स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसकी दीवारें बनाते जाते थे दिन में और रात में दीवारें गिर जाया करती थी। ऐसा 5 से 7 बार हुआ तो महाराणा कुंभा चिंतित हुए कि ये बार बार यहाँ पे दीवारें क्यों गिर रही है। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि इन पहाड़ों में जो है एक मेड़ बाबा है जिनका नाम है भैरव मुनि। अच्छा। भैरव मुनि जो है वो इन पहाड़ों में रहते हैं और तपस्या वगैरह किया करते हैं और इन पहाड़ों के बारे में उनको सबसे ज्यादा ज्ञान है। अच्छा। और वो इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, तो अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे इस पहाड़ी पर क्या दिक्कत है। तो महाराणा कुंभा और मंडन जी वहाँ गए भैरव मुनि जी के पास और उनसे पूछा गया कि हम इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहते हैं तो ये बार बार क्यों गिर रहा है। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इस पहाड़ी पर जो है एक देवी का प्रकोप है। अच्छा। जिसके कारण से यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है। अच्छा। तो महाराणा कुंभा ने कहा इसका कोई तो उपाय होगा जिससे कि यहाँ पर किले का निर्माण किया जा सके। तो भैरव मुनि जी ने बताया था उस समय इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नरबलि। स्वैच्छिक नरबलि दी जाएगी तभी जाके इस किले का निर्माण हो पाएगा। बट उस समय ऐसा कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं था जो कि अपनी इच्छा से इस फोर्ट के लिए बलिदान दे। अच्छा। तो उस दरमियान भैरव मुनि जी जिन्होंने सजेशन दिया था वो खुद इसके लिए तैयार हुए।
अच्छा, वो खुद तैयार हुए? वो खुद तैयार हुए और उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और सर्वप्रथम जहां रुकूंगा वहां पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा। अच्छा। और अंत तक जहां पहुंचूंगा वहां पर किले का निर्माण किया जाएगा। तो भैरव मुनि जी ने उस समय पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था, उसी हिसाब से उनके वो गेट बनते गए और फर्स्ट टाइम वो यहाँ पर रुके, जो अभी भैरव गेट, अभी भैरव, तो यहाँ पे वो रुके और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आगे चले और आगे जाने के बाद तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस के लिए बोला गया था तो उनका सर जो है वो यहाँ पे गिरा था, जिसका स्थान ये बना हुआ है। अच्छा। ये सिम्बॉलिक टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है, भैरव मुनि जी का जो सर यहाँ पे गिरा था। अच्छा। और उन्हीं के नाम से यहाँ पे बनाया गया मुख्य द्वार भैरव पोल भैरव दरवाजा। और सर कटने के बाद फिर भी उनकी बॉडी क्लाइम करती गई जो लगभग 700 मीटर ऊपर गई। अच्छा। और ऊपर जाके वहां पे उनकी बॉडी गिरी और वहां पर किले का निर्माण किया गया जहाँ पर उनका धड़ गिरा था। हाँ। अच्छा। और वहाँ पे उनका किले का निर्माण किया गया था और उस हिस्से को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कटारगढ़। और पूरा प्रेमाइस महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे कुंभलगढ़ कहा जाता है। ये दरवाजा जो देख रहे हैं जी, ये है 7 नंबर का गेट जिसे निम्बो पोल कहा जाता है। 1576 में जब हल्दीघाटी का बैटल हुआ था जी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जी, बट उस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था, जयपुर के राजा मान सिंह युद्ध करने के लिए आए थे। जब उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था जी। जब उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था तो उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो सीधे इस कुंभलगढ़ फोर्ट पर आकर रुके थे। अच्छा। अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। अच्छा। तो अकबर ने उस समय एक सेनापति नियुक्त किया था जिसका नाम था शाबाश खान को भेजा गया इस फोर्ट पर कब्जा करने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। अच्छा। बट शाबाश खान जो था वो इन पहाड़ों में खो चुका था, उसको एग्जैक्टली इस फोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा। तो उस दरमियान जो लोकल जो प्रवासी हुआ करते थे निरंतर इस फोर्ट पे आते जाते रहते थे, उनको उसने बीच में बंदी बनाया। अच्छा। जिसमें से उसमें 3 मालणे थी जिनको उसने बंदी बनाकर और उनसे फोर्ट का रास्ता पूछकर, और सामने वाली जो पहाड़ी आप देख रहे हैं वहां पर वो पहुंच गया था शाबाश खान तोप को ले लेकर और सेना को लेकर। अच्छा। और उसने वहां से इस फोर्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया था, बट भान सोनग्रा उनके जो सैनिक थे उन्होंने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसको यहां से भागने पर मजबूर किया, बट इस फोर्ट पर कब्जा उन्हें नहीं दिया। तो उस दरमियान शाबाश खान के द्वारा जो तोप गोले चलाए गए थे उसका मार्क आज भी यहाँ मौजूद है। ये ग्रे कलर का पत्थर दिखाई दे रहा है, ये वाला ये कैनन बॉल का मार्क है। जो उस समय जो कैनन बॉल्स हुआ करती थी वो ब्लास्ट नहीं हुआ करती थी, बेसिकली ऐसे लकड़ी के दरवाजे को तोड़ने के लिए फेंका करते थे। अच्छा। जो कि यहाँ पे लगा था जो कि इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद फिर महाराणा प्रताप को पता चला कि शाबाश खान ने इस फोर्ट पर अटैक किया है, तो महाराणा प्रताप और शाबाश खान के बीच युद्ध हुआ यहाँ से 60 किलोमीटर दूर दिवेर के जंगल में 1582 के अंदर, और वो घमासान युद्ध था। और उस युद्ध के अंदर फिर महाराणा प्रताप ने शाबाश खान को मारकर उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अच्छा। जैसा कि मैंने बताया था इस पूरे प्रेमाइस के अंदर टोटल 360 टेम्पल्स हैं, बट आज की कंडीशन में मोस्टली जो टेम्पल हैं वो इनएक्टिव हैं। जिसमें से जैन टेम्पल 300 जो हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव हैं। और हिंदू टेम्पल जो हैं वो भी मोस्टली इनएक्टिव हैं। कुछ ही टेम्पल यहाँ पर एक्टिव हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का जो टेम्पल है वो है वो शिव टेम्पल। सबसे इधर वाला जो दिखाई दे रहा है जहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वो है शिव टेम्पल नीलकंठ महादेव का, जो कि महाराणा कुंभा के कालीन में बनाया गया था। उसमें शिवलिंग की जो प्रतिमा है उसकी जो हाइट है वो लगभग 4.5 फीट की है। अच्छा। और महाराणा कुंभा जो थे वो जमीन पर बैठकर उस पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक किया करते थे। अच्छा। क्योंकि महाराणा कुंभा की जो हाइट हुआ करती थी वो थी लगभग 8.3 फीट। यस। मेवाड़ शासन काल में कहा जाता है कि सबसे लंबे जो व्यक्ति थे वो महाराणा कुंभा थे, उनके बाद हुए थे महाराणा प्रताप जिनकी हाइट थी 7.2 फीट। अच्छा। और महाराणा कुंभा जो थे एक अजय योद्धा के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर एक भी युद्ध नहीं हारा था, सारे के सारे युद्ध उन्होंने जीते थे। उसके बाद आप देखते हैं सबसे इधर वाला जो टेंपल दिख रहा है वो ये वाला ना। हाँ। वैदिक हॉल कहा जाता है जिसके अंदर यज्ञ और हवन किए जाते थे। ये भी महाराणा कुंभा के कालीन में ही बनाया गया। लास्ट जो यज्ञ वन हुआ है वो 19 सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के कालीन में हुआ था, उसके बाद इसमें कोई यज्ञ वन वगैरह नहीं हुए। सी लेवल से जो इस फोर्ट की जो हाइट है वो लगभग 3600 फीट की हाइट पे ये फोर्ट बना हुआ है। इतनी हाइट पे होने के बावजूद इस फोर्ट की स्पेशलिटी है कि ये फोर्ट जो है 20-30 किलोमीटर के रेडियस से कहीं से विजिबल नहीं होता है। हाँ, वो तो मैंने बताया, हम आए थे, हमको नहीं दिख रहा था, क्योंकि आर्किटेक्ट ने उसी तरह इसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया हुआ है कि चारों तरफ माउंटेन से उसे कवर्ड करके इसको बनाया गया ताकि हमेशा दुश्मनों से छिपा रहे। आपको सडनली 200 मीटर पे आते हैं अचानक आपके सामने फोर्ट अपीयर होता है, उससे पहले ये फोर्ट कहीं से भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद आप देखते हैं ये वॉल जो आपको दिखाई दे रही है ये भी सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही स्ट्रांगली बनाई गई। इसमें आप देखते हैं बाहर की तरफ गोल गोल ऐसे डॉम्स बनाए गए जी। ये डॉम्स
इसलिए बनाए जाते थे कि पुराने जमाने में क्या है कि फ्लैट दीवारों पर चढ़ने के लिए एक बड़ी सी मॉनिटर लिजार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अपने राजस्थान के अंदर गो बोलते हैं, जिसे चंदन गो जैसे बड़ी सी मॉनिटर लिजार्ड होती है, जिसके मुंह पर रस्सी बांधकर उसको फ्लैट दीवारों पर फेंकते थे। वो फ्लैट दीवारों पर इतनी स्ट्रांगली चिपक जाती थी कि 2 से 4 व्यक्ति इजिली एक साथ क्लाइंब कर सकते थे। ये गोल डोम्स इसलिए बनाए जाते थे, अगर इस पर फेंकते तो उस मॉनिटर लिजार्ड का जो है राउंड शेप होने की वजह से उस मॉनिटर लिजार्ड का वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता, पकड़ नहीं हो पाती, और जैसे कोई चढ़ने की कोशिश करता है वो स्लिप होके नीचे गिर जाती है। सेकंड थिंग, बीच बीच में फ्लैट दीवारें भी हैं, अगर उन फ्लैट दीवारों पर कोई दुश्मन चढ़ता है तो सैनिक जो होता था वो गोल डोम्स पे आ जाता था। अच्छा। और गोल डोम्स पे आने के बाद क्या, फ्लैट दीवार उसके सामने पूरी की पूरी विजिबल हो जाती है, तो इजीली उस पर अटैक करके उसको मार के नीचे गिराया जा सकता है। इस सिक्योरिटी रीजन से इस पूरी वॉल पे ऐसे गोल गोल डोम्स बनाए गए। ये है 8 नंबर का गेट, जिसे चौगान पुल कहा जाता है। चौगान पुल। अच्छा। इसमें आप देखते हैं ये लकड़ी का जो दरवाजा बना हुआ है जी। इसके ऊपर ये किले लगाई गई है जी। हाथी से दरवाजा तोड़े जाते थे तो हाथी के हाइट के अकॉर्डिंग ये किले लगा दी जाती थी। हाँ। जिससे कि हाथी क्या दरवाजा नहीं तोड़ पाए, पर दुश्मन क्या दूसरी टेक्निक्स भी यूज किया करते थे। वो क्या करते थे, जब ऐसे किले लगा दी जाती थी और हाथी क्या सबसे शक्तिशाली जानवर होता था और युद्ध में काफी काम भी आता था, तो उसे बचाने के लिए कैमल की कुर्बानी दी जाती थी। अच्छा। वो क्या करते थे, इन किलों के ऊपर फ्लैट रूप में कैमल को खड़ा करते थे और फिर हाथी से प्रेस करवाते थे। इतना दिमाग जो कि जैसे कि कैमल तो मर जाता था, हाथी बच जाता था और दरवाजा भी टूट जाता था। अच्छा। बट आर्किटेक्ट जो हुआ करते थे वो इन सारी चीजों से दरवाजे को बचाने के लिए, मोस्टली फोर्ट के दरवाजे आर्किटेक्ट हमेशा कर्व के रूप में बनाते हैं। अपन नीचे से सडनली अंदर टर्न लिया, ऐसे आए फिर ये टर्न लेके अंदर, क्योंकि फ्रंट साइड में दरवाजे के स्पेस हमेशा कम दिया जाता है। वो इसलिए कि एक तो प्रॉपर हाथी वहां पे खड़ा नहीं रह पाए, सेकंड थिंग किसी भी चीज से अगर दरवाजे को तोड़ना है तो उसे फोर्स क्रिएट करना होगा, जो कि फ्रंट साइड में स्पेस ही अवेलेबल नहीं होता। इस सिक्योरिटी रीजन से मोस्टली फोर्ट के दरवाजे आर्किटेक्ट हमेशा कर्व के रूप में बनाए जाते हैं। अच्छा। उसके बाद आप इधर आएंगे, इसके अंदर के सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो है तोपखाना। अच्छा। 15 सेंचुरी में जब ये फोर्ट बना था तो इंडिया में तोपे वगैरह नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर जो तोपे रखी गई है वो 19 सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा रखी गई है। अच्छा। क्योंकि महाराणा फतेह सिंह जी ने 19 सेंचुरी में इस पूरे फोर्ट के अंदर काफी सारा रिनोवेशन करवाया, उसमें से सबसे प्रमुख पार्ट ऊपर का हिस्सा जो मैंने बताया जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, वो कटारगढ़ जो था वो 19 सेंचुरी में ऑलमोस्ट जर्जर अवस्था में हो चुका था, लगभग टूट चुका था। तो महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका पूरा रिनोवेशन करवा के इस पूरे प्रेमाइस का नाम कटारगढ़ की जगह रखा गया बादल महल। बादल महल इसलिए रखा गया क्योंकि मोस्टली वो रेनिंग सीजन के अंदर पूरा का पूरा बादलों की ओढ़ में ढका रहता है, उसे फतेह प्रकाश भी कहा जाता है, फतेह प्रकाश महाराणा फतेह सिंह जी के नाम से। इधर देखेंगे आप, ये इधर सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला इनसाइड ये पूरा, और फिर इधर देखेंगे आप, इधर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है राउंड शेप में जी, ये देखेंगे ये क्या नीचे से उधर कनेक्टेड हुआ करता था। ये उस जमाने का 15 सेंचुरी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ करता था। अच्छा। क्योंकि जब बरसात का जितना भी पानी होता था ऊपर के हिस्से का, वो कैनल के थ्रू इसमें छोड़ा जाता था। अच्छा। और पानी को प्योरीफाई करने के लिए उस समय मोटर्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो पानी को प्योरीफाई करने के लिए उस समय यहाँ पर लाइमस्टोन सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ पर पानी को प्योरीफाई किया जाता था, देन आफ्टर उधर टैंक में स्टोर किया जाता था। अच्छा। ये मोस्टली फोर्ट में आपको देखने को मिलता है क्योंकि मोस्टली फोर्ट के हाइट पर बनाए जाते हैं, तो नीचे से ऊपर पानी लाना मुश्किल होता था, इसी वजह से ऊपर के ही पानी को स्टोर किया जाता था, जो कि मोस्टली खाना बनाने और पीने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। अब देखेंगे यह है गेट नंबर 9, आखिरी गेट है, जिसे पागड़ा पुल कहा जाता है जी। तो महाराणा उदय सिंह जी का जो है वो पूरा बचपन भी यहीं पे बीता था। चित्तौड़ पर जब बनवीर ने अटैक करके और राणा सांगा की फैमिली की हत्या करवा दी और पन्ना दाय ने महाराणा उदय सिंह जी को बनवीर से बचाकर और अपने पुत्र का बलिदान दिया उस समय, और वहां से बचाकर इसी फोर्ट पर लाकर रखा गया और यहीं पे उनका लालन पोषण हुआ। जब बड़े हुए तो वापस चित्तौड़ पर अटैक करके बनवीर को मारकर चित्तौड़ को अपने अधिकार में लिया था। महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र हुए थे महाराणा प्रताप, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9th में 1540 में इसी हॉल के अंदर हुआ था, जो कि अभी बंद है, गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। तो इसी हॉल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9th में 1540 में। तो उस दरमियान जब भी यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो उनको वेलकम करने के लिए इस गेट के ऊपर उनको पगड़ी पहनाकर उनका वेलकम किया जाता था, इसी वजह से इसको पागड़ा पोल कहा जाता है। अच्छा, पगड़ी पहनाते थे इसलिए पागड़ा पोल है, पागड़ा पोल के लिए गेट। यस। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं। अच्छा। ये है बादल महल, जो कि पहले था कटारगढ़।
और कटारगढ़ जो था वो इतना बड़ा यू सेक्शन नहीं, छोटा सा ही पार्ट हुआ करता था। और कटारगढ़ जो था वो उस समय दरी खाने के रूप में काम आता था। दरी खाने का मतलब समझते हैं, एज ए लाइक ए कॉन्फ्रेंस हॉल, दरबार हॉल। अच्छा, दरबार जहाँ होता था। हाँ, और लिविंग सेक्शन जो महाराणा कुंभा के कालीन में हुआ करता था वो उधर वाला पार्ट हुआ करता था। ये नीचे, हाँ नीचे वाला, जो कि पूरा खंडित हो चुका है, टूट चुका है। ऊपर डबल स्टोरी हुआ करता था जो कि पूरा टूट चुका है। उसके अंदर एक नवदुर्गा माता टेम्पल की स्थापना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और ये बीच वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये बर्ड का जो पेड़ है, ये पूरा सेक्शन जो है ये किचन पार्ट हुआ करता था। देखिए उस जमाने की चिमनीज लगी हुई छत के ऊपर। अच्छा, हाँ, ये इस तरफ है यहाँ पे। वो चिमनी आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे पहले ये होगा। फिर 19 सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने लिविंग सेक्शन यहाँ पे शिफ्ट किया और इसमें आधा सेक्शन इधर का नया ऐड करके इस पूरे प्रिमाइस का नाम कटारगढ़ की जगह बादल महल रखा गया। और इसमें दो सेक्शन किए गए, एक इधर मर्दाना पार्ट और एक उधर जनाना पार्ट। अच्छा, मर्दाना पार्ट अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। ये वाला मर्दाना पार्ट है, ये पूरा मर्दाना पार्ट। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये है लेडी सेक्शन जनाना पार्ट, जो कि 19 सेंचुरी में पूरा नया बनाया गया है। बट उससे पुराना ये मंदिर हुआ करता था। ये वही भैरव मुनि जी का स्थान है जिनका, हाँ, जिनका सर कटने के बाद बॉडी यहाँ पे आके गई। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये मशाल कुंड हुआ करता था पहले। अच्छा, क्योंकि ये सेक्शन नहीं हुआ करता था और ये मशाल कुंड हुआ करता था यहाँ पे। इसके अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा उस समय लगभग 25 केजी कॉटन और 50 केजी घी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी फ्लेम लगाई जाती थी। मशाल रहती थी यहाँ, जो कि लगभग 10-15 किलोमीटर के रेडियस में रोशनी रहा करती थी। 10-15 किलोमीटर के रेडियस में रोशनी रहा करती थी, जिससे रात में किसान खेती वगैरह किया करते थे। अच्छा। और ये फ्लेम उस समय विजिबल हुआ करती थी जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से। मतलब यहाँ पर ये जो मशाल लगती थी और जोधपुर के मेहरानगढ़ से ये दिखती थी। दिखती थी। अच्छा, यहाँ, क्योंकि यहाँ से जोधपुर जो है बाय रोड यहाँ से जो है वो लगभग 180 किलोमीटर दूर है। 180 किलोमीटर है। त्रिपोलिया गेट आप देखेंगे वो, इसके अंदर के जो रूम्स हैं वो रानी के कक्ष के रूप में यूज किए जाते थे। और इधर सामने का जो एरिया देख रहे हैं आप, वो सिटिंग एरिया हुआ करता था और यहाँ पे बैठ के रानी डांस प्रोग्राम वगैरह देखा करते थे जब भी यहाँ पर आते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली कोई नहीं रहता। इज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट। ये सारी जो पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही है ये हाथी वाली, ये सारी जो पेंटिंग्स बनाई गई वो भी 19 सेंचुरी में बनाई गई है महाराणा फतेह सिंह जी के उसी दरमियान, क्योंकि जब ये बनाया गया था। तो ये सारी जो पेंटिंग्स बनेंगी वो नेचुरल कलर से बनाएगी। इसमें वेजिटेबल कलर और लीफ कलर का इस्तेमाल किया गया है, जो आज भी हूबहू वैसे की वैसे, नहीं कभी इनको रिस्टोरेशन किया है और नहीं कोई केमिकल कलर इसमें ऐड किया हुआ है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी वो सारी विलय हो चुकी, मर्ज हो चुकी थी। जब विलय हुई थी तो उस दरमियान उदयपुर के महाराणा ने ये फोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया था। जब ये हैंडओवर किया गया था तो इसके अंदर जितने भी एंटीक आइटम जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ से निकाल कर उदयपुर सिटी पैलेस शिफ्ट कर दी गई थी। अच्छा। और ये पूरा का पूरा खाली फोर्ट गवर्नमेंट को हैंडओवर किया गया। अभी जो इसे मेंटेन करता है वो करता है ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये पूरा का पूरा जो फोर्ट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी रजिस्टर्ड है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू वेरी मच। तो गाइड जा चुके हैं, मैंने उनको पे कर दिया है, 725 रुपीज़ पे किया है, जो कि यहाँ का फिक्स चार्ज है। और उन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेल से हमें सब कुछ बताया। बाकी ये बादल महल है, इसके बारे में भी उन्होंने बता दिया। अभी हम यहाँ से ऊपर जाते हैं और ऊपर से काफ़ी बढ़िया व्यू आता है। जो पीछे का मारवाड़ रीजन है वो दिखता है, पूरा मैदानी इलाका। तो ऊपर की तरफ चलते हैं यहाँ बादल महल में। तो इस सीढ़ी से हम ऊपर आए हैं और ये यहाँ का नज़ारा है ऊपर का, देखो आप। और पीछे काफ़ी सुंदर दिख रहा है, देखो आप, काफ़ी खुला है, सारी पहाड़ियाँ दिख रही है। और आगे उस तरफ जो आपको प्लेन भाग दिख रहा है वो मारवाड़ है। तो ये रीजन यहाँ से चेंज हो जाता है, ये मेवाड़ यहाँ तक है, इसके बाद में आगे पूरा जो प्लेन है वो मारवाड़ है। ये नीचे की वॉल है, देखो आप, द ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़, जो कि चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। Thank you.
ये रोड आपको दिख रहा होगा, हम इसी रोड से आए हैं और रोड का जो एंड है उसके बाद में रोड पीछे की तरफ जाती है। तो जब हम कुंभलगढ़ फोर्ट आ रहे थे तो कुंभलगढ़ फोर्ट हमको यहाँ से दिखना स्टार्ट हुआ था लगभग 1 किलोमीटर पहले। तो ये इसकी खूबसूरती है कुंभलगढ़ फोर्ट की कि इसका आर्किटेक्ट इतना बढ़िया है कि आपको दूर से दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए ये सेफ भी था काफ़ी। बाकी ये नज़ारा मैंने आपको दिखाया, अभी यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। अभी मैं आ गया हूँ नीचे की तरफ और यहाँ से हम आगे जाएंगे वैदिक मंदिर के लिए जो कि बिल्कुल पास में है। ये गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी और इसके बिल्कुल पास में ही वैदिक मंदिर है। बाकी यहाँ पर ये कैंटीन वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह है, तो आप चाहो तो यहाँ नाश्ता खाना कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट की कुछ चीज़ें भी मिल जाती है। और ये है वैदिक मंदिर, तो अंदर चलते हैं। बेसिकली यहाँ पर यज्ञ हवन होते थे तो उसके लिए ये बनाया गया था, इसलिए इसे वैदिक मंदिर कहते हैं। और काफ़ी अंदर तक है, देखो लंबा 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 अंदर की तरफ है, मुझे लगा थोड़ा ही होगा लेकिन ये तो काफ़ी अंदर तक है। हमने यहाँ से एंट्री की थी सामने की तरफ से, फिर हम अंदर होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पर आए। और पीछे की तरफ भी मंदिर है, देखो आप, ये भी मंदिर है। तो बड़ा सा पैसेज है, उसमें लगभग दो अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक ये वाला है पीछे का और एक ये वाला है जहाँ से हम अंदर आए। तो ये वैदिक मंदिर है, एक बार अंदर चलते हैं वहाँ पर। तो ये वैदिक मंदिर है, मैंने आपको बताया। अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर जो ग्रेट वॉल है वहाँ पर चलते हैं जो कि कुंभलगढ़ की पहचान है। तो मैं ऊपर आ गया हूँ और ये है वो ग्रेट वॉल जो कि कुंभलगढ़ की पहचान है। आप देखो कितना चौड़ा है, इतनी चौड़ाई है इसकी, बहुत चौड़ी है। और ये जो छोटे छोटे ऊपर से दूर से हमें जो छोटा गोला दिखता है ना ऊपर, राउंड शेप, वो भी इतना बड़ा है, लगभग 30 फीट का गैप है ये। ये देखो ये वॉल है, एकदम चौड़ी वॉल है। इसको वॉल कहना ही अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सड़क है, कोई रोड है। इसके ऊपर आराम से 2 मिनी ट्रक चल सकती है, इतनी चौड़ी है ये। और ये आगे तक जाती है, मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। तो ये है नीलकंठ महादेव मंदिर और यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिखी है। मंदिर का निर्माण 1458 में राणा कुंभा ने करवाया था और बाकी जानकारी तो वैसे गाइड ने दे दी थी हमें, और कहते हैं कि इसको बाद में फिर से राणा सांगा ने रिनोवेट किया था। तो अंदर चलते हैं। तो हम लोग नीलकंठ महादेव मंदिर में आ गए हैं और ये वो शिवलिंग है जो कि हमें गाइड ने बताया था, 4.5 फीट का शिवलिंग है ये। और यहाँ पर महाराणा कुंभा पूजा अर्चना करते थे और गाइड ने बताया था कि महाराणा कुंभा की हाइट 8.5 फीट थी और जब वो बैठते थे तो उनके लिए ये शिवलिंग की हाइट बराबर रहती थी। तो आप सोचो कितने लंबे थे महाराणा कुंभा। तो ये वो शिवलिंग है महादेव का और ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। तो हमने सुबह 9 बजे कुंभलगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया था और अभी लगभग 12 बज गए हैं, तो 3 घंटे लगे मुझे कुंभलगढ़ फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करने में। तो आप 3 घंटे का समय मान के चलो, और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप चाहो तो यहाँ 4-5 घंटे भी बिता सकते हो, यहाँ पर और भी जगह है देखने के लिए, लेकिन जो मुख्य सारी जगह है वो मैंने आपको बता दी। तो अभी मैं यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ और ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा कुंभलगढ़ का फोर्ट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो